हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक भी 12th लेसन का कंटिन्यूएशन है। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इसके पिछले वाले टॉपिक्स दिख जाएंगे। तो ये टॉपिक है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब है किसी ग्रुप ऑफ पीपल को स्पेशल राइट्स देना। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग एंजॉय कर रहे थे अपने स्पेशल राइट्स, एंड ऑफ प्रिविलेजेस यानी कि अब उन स्पेशल राइट्स का एंड। मिडिल क्लास पीपल में से बहुत सारे लोग रिच और एजुकेटेड थे। ये कमाया करते थे वूल और सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग और ओवरसीज ट्रेडिंग की वजह से। 18th सेंचुरी में थर्ड स्टेट के सारे लोगों ने अपना एक बड़ा सा ग्रुप बनाया और लड़ने लगे अपने इक्वल राइट्स के लिए। और इन्हें इंस्पिरेशन मिलती थी जॉन लॉक और रसोयू जैसे कुछ फिलोसोफर्स से, जो कि ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जिसमें हर ह्यूमन बीइंग के पास अपने परमानेंट इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज हो। अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने बताया कैसे वो अगेंस्ट है मोनार्क्स को मिलने वाले एब्सोल्यूट पावर्स के लिए। और वैसे ही उसी आइडिया को रोसेयू ने फॉरवर्ड करते हुए कहा कि पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जैसे कि वोट और पीपल्स वर्क का। यानी एक ऐसा स्टेट जिसमें ह्यूमन पर कोई ज़बरदस्ती ना हो और वो अपनी लाइफ फ्रीली जी सके। एक और फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने बताया है कि कैसे पावर को तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, जो है लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। वैसे तो ये USA का मेथड है जो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने फ्रीडम के बाद इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अमेरिका में जो इक्वल राइट्स दिए गए थे ह्यूमन बीइंग्स को, वो एक बड़ा सा एग्जाम्पल था फ्रांस के थर्ड स्टेट ऑफ पीपल के लिए। नाउ लेट अस मूव टू द अदर टॉपिक विच इज़ द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। May 5, 1789, ये वो दिन था जब Louis XVI, जो फ्रांस के किंग है, तीनों स्टेट्स के साथ उन्होंने अपनी एक मीटिंग रखी थी जिसमें ये न्यू टैक्सेशन पॉलिसीज डिस्कस करने वाले थे। तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग हॉल में पहुंचे, जिसमें से फर्स्ट स्टेट के 300 पीपल, सेकंड स्टेट के 300 पीपल और थर्ड स्टेट के टोटल 600 पीपल आए हुए थे। इस पिक्चर में आप उनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स देख सकते हैं। एक दूसरे के ऑपोजिट फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग बैठे हुए थे, जबकि थर्ड स्टेट के लोगों के लिए कोई सीटिंग अरेंजमेंट्स नहीं हुई थी। इन्हें उनके पीछे ठहरना पड़ रहा था। पीजेंट्स, आर्टिशंस और वुमेंस की यहाँ पर एंट्री नहीं थी, इसीलिए थर्ड स्टेट के जितने भी लोग आए थे ये सब अमीर बिजनेसमैन थे और एजुकेटेड पीपल थे। अपने साथ ये 40,000 लेटर्स लाए थे जिसमें इनकी सारी डिमांड्स लिखी हुई थी। पिछले वोटिंग सिस्टम में सिर्फ एक स्टेट को एक ही वोट दिया जाता था, यानी कि फर्स्ट स्टेट के लोगों को एक वोट, सेकंड स्टेट के लोगों को एक वोट और थर्ड स्टेट के लोगों को एक वोट। लेकिन थर्ड स्टेट के पीपल ने डिमांड की कि असेंबली में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सबको अपना अपना पर्टिकुलर एक एक वोट देना चाहिए। किंग ने सोचा था कि वो पुराने वोटिंग के तरीके से ही आगे जाएंगे, लेकिन डिमांड्स बढ़ती चली गईं, जिसकी वजह से किंग ने इस न्यू वोटिंग सिस्टम के डिमांड को मना कर दिया। और थर्ड स्टेट के लोग इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए और बीच असेंबली में से असेंबली छोड़कर वॉकआउट कर दिए। सो यस, आज के ये दो टॉपिक यहीं पर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बाय।